हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि मिष्ठान फूड्स का शेयर एकदम 7% क्रैश हो गया। कोई बैड न्यूज़ है क्या कंपनी की ओर से? क्या हो गया है? आइए जानते हैं क्यों गिरा मिष्ठान फूड्स का शेयर। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें या रिव्यू करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स में आज जबरदस्त फॉल देखने को मिला, 7% गिर गया, 12 रुपीज़ 60 पैसे पर आ गया। सबको काफ़ी लॉस हो गया, सब परेशान है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मिष्ठान फूड्स गिर गया, जबकि क्वार्टर रिजल्ट था शानदार आया। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट या कोई भी शेयर न्यूज़ पे चलते हैं, कोई न्यूज़ आती है सेक्टर के लिए बुरी तो सभी शेयर्स गिरते हैं। तो ऐसी ही एक बुरी खबर मिष्ठान फूड्स के बारे में आई है। क्या आई है? एक तो देखिए, पहला रीज़न ये है कि काफ़ी लोग, ऐसा एक रूमर है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई भी हुई नहीं है कि मिष्ठान फूड्स ने अपना इथेनॉल प्रोजेक्ट जो बनाने वाली थी कंपनी, डालने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया है। ऐसे मार्केट में एक अफवाह फैल गई है, रूमर हो गई है, वो तो एक रीज़न है, बट उसके बारे में कोई कन्फर्मेशन कंपनी की ओर से और कहीं भी आया नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस चल रहे हैं जिसके कारण भी थोड़ा पैनिक फैल गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जो राइस था, बासमती राइस छोड़ के जो सादा राइस होता है, ब्रोकन राइस होता है, टुकड़ा राइस होता है, उसका एक्सपोर्ट बैन किया, वो तो हमें पता है। बट साथ साथ में FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जितनी भी डिस्टिलरीज थी जो कि राइस से बनाती थी इथेनॉल, उनको सप्लाई करने के लिए बैन कर दिया है। मतलब डिस्टिलरीज को राइस सप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि राइस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके लिए पहला कदम गवर्नमेंट ने उठाया कि उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया है कि डिस्टिलरीज को जो राइस सप्लाई करते थे उस पर बैन लगा दिया है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मिष्ठान का ही नहीं, जितने भी लीकर की, डिस्टिलरीज की, दारू बनाने वाली बियर कंपनीज, सभी के शेयर आज क्रैश हुए। यही एक रीज़न था। तो इस न्यूज़ के कारण मिष्ठान फूड्स का शेयर गिर गया। हालांकि मिष्ठान फूड्स ने तो अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू भी नहीं किया है, बट इथेनॉल बनाने वाली कंपनी पे ये इम्पैक्ट निगेटिव रहेगा इस न्यूज़ का। गवर्नमेंट कभी भी राइस का सप्लाई बंद कर देगी तो इथेनॉल प्रोडक्शन हैम्पर होगा। इस न्यूज़ के कारण मिष्ठान फूड्स का शेयर भी आज गिर गया। बड़ा आशा करते हैं डिस्टिलरी प्रोडक्शन करने वाली जो एसोसिएशन है, कंपनीज़ है, वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि हमें राइस सप्लाई कीजिए, नहीं तो सब प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा। और इथेनॉल जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट है पेट्रोल और डीजल में, उसको टारगेट को कंपनियां पूरा नहीं कर पाएगी। इसके लिए जो एसोसिएशन है, डिस्टिलरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, वो कोशिश कर रही है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ उनके तरफ से आ जाए और फिर से डिस्टिलरी या इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के जो शेयर गिरे आज, वो ऊपर जाएंगे। तो बस यही एक न्यूज़ थी जिसके कारण मिष्ठान फूड्स का शेयर गिर गया। हालांकि अभी तो इथेनॉल बनाता भी नहीं है, बट इसके कारण प्रोडक्ट इथेनॉल का जो प्रोजेक्ट है उसमें निगेटिविटी आ गई है और इसके कारण मिष्ठान फूड्स का शेयर गिरा है। अभी सपोर्ट लिया हुआ है, होप करते हैं कि यहाँ से नहीं गिरे और फिर से ऊपर चला जाए। जैसे कि ओलेक्ट्रा में बैड न्यूज़ आई, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर गिरा पर बाद में तेज़ी से रिकवर हुआ, आज अपर सर्किट लग गया, वैसा ही कुछ मिष्ठान फूड्स में भी तेज़ी से रिकवरी हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है, थोड़ा हिम्मत रखिए। क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार आया है, हो सकता है एक दो दिन साइडवेज जाकर फिर से तेजी भी देखने को मिले मिष्ठान फूड्स में। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं पार्शली। और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इस गिरावट का फ़ायदा लेकर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं हर लेवल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।